फ्रेंड, वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2018 की पहली रॉ के बारे में, वो भी हिंदी में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत बैक स्टेज से होती है, जहां कर्ट एंगल और एलेक्सा ब्लिस के बीच छोटा सा सेगमेंट देखने को मिला है, जहां एलेक्सा ब्लिस रॉ में अपना मैच आस्का के साथ रखने पर नाराज नजर आईं। उन्होंने कर्ट एंगल से कहा, क्या सोच रहे हो तुम? कर्ट एंगल कहते हैं, साल 2018 की शुरुआत एक रसलमेनिया के लाइक मैच से होनी चाहिए। एलेक्सा कहती है, तुम्हारी थिंकिंग अनफेयर है। तुम्हें याद है लास्ट वीक आस्का ने मुझे इंटरप्ट करा और उसके साथ ही उसने अटैक भी करा, और उसके बैड बिहेवियर के बावजूद तुमने मेरे साथ उसका मैच रख दिया। मुझे लगता है तुम्हें फिर सोचना चाहिए। वैसे भी आस्का फर्स्ट वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में एंट्री करेगी, अगर वो वहां जीतती है तो वो मुझे रसलमेनिया में फेस करेगी। कर्ट एंगल कहते हैं, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है आस्का से तो तुम मैच छोड़ सकती हो। वैसे तुम लकी हो, जो ये मैच चैंपियनशिप मैच नहीं है। ये कहते ही कर्ट एंगल बैक स्टेज से एंट्री मारते हैं शो में। रिंग में आके कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। मैं कह सकता हूं साल 2017 मेरे करियर का सबसे शानदार टाइम रहा, वो भी रॉ के जनरल मैनेजर के रूप में। साल 2017 ग्रेट रहा और मैं गारंटी देता हूं 2018 इससे भी बड़ा होगा। आने वाले 3 हफ्तों में रॉ अपना 25वीं सालगिरह मनाएगा और ठीक इसके बाद रॉयल रंबल पीपीवी होगा। फ्री एजेंट एंड 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना क्लियर हो गए हैं 30 मैन रॉयल रंबल मैच में एंट्री के लिए। इसके साथ ही वुमेन्स रॉयल रंबल मैच भी होगा। मैंने स्टेफनी मैकमैन, डैनियल ब्रायन और शेन मैकमैन से बात करी है कि क्या अच्छा हो सकता है मैंस रॉयल रंबल के लिए और वुमेन्स रॉयल रंबल के लिए। तो सबने मिलकर डिसाइड करा है कि दोनों मैचेस में सेम रूल्स अप्लाई होंगे। इसका मतलब 30 मैंस की तरह ही 30 वुमेन्स एंट्री भी मारेंगी इस रिंग में। जो सुपरस्टार रोप के ऊपर से गिर के फ्लोर को टच कर जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा इस मैच से, और जो इस मैच को जीतेगा उसे रसलमेनिया में चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों मैचेस रॉ के ही सुपरस्टार जीतें और रसलमेनिया के मेन इवेंट में देखे जा सकें, ऐसा मैं चाहता हूं। इतने में ही एंट्री होती है द बार की। शेमस कहते हैं कि कर्ट कुछ टाइम के लिए रॉयल रंबल को भूलते हैं और बात करते हैं लास्ट वीक रॉ के बारे में। तुमने वन टाइम टैग टीम चैंप को मौका दिया चैंपियनशिप मैच के लिए। एंगल, तुमने अपने बेटे को चैंपियनशिप मैच गिफ्ट में दे दिया, वो साफ तौर पे गलत था। इसके बाद बार वो मैच दिखाते हैं जिसमें उनकी हार हुई थी। उसके बाद बार कहते हैं, देखा कर्ट एंगल क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, साफ दिख रहा है कि तुम कैसे फेवर कर रहे हो। जेसन जॉर्डन टैग टीम चैंपियन के लिए मैच डिजर्व नहीं करता था। तुम आज की रात के बारे में बात करना चाहते हो तो सुनो, हमें हमारा रीमैच चाहिए। कर्ट एंगल कहते हैं, मेरे ऐलान के बिना इस मैच का ऐलान नहीं हो सकता। अब एंट्री होती है जेसन जॉर्डन की। वो आके कहते हैं कि अगर मैं डिजर्व नहीं करता तो मैं रॉ टैग टीम चैंपियन कैसे बना। मुझे ये मौका मेरे काम को देखते हुए मिला है। जो तुम मेरे डैड पे आरोप लगा रहे हो ना फेवर का, ये मौका मुझे मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मिला है। इतने में कर्ट एंगल अनाउंस करते हैं सिजारो वर्सेस जेसन जॉर्डन के बीच मैच का। इतने में एंट्री होती है सेथ रॉलिंस की। वो कहते हैं, जॉर्डन तुम अकेले ही चैंपियन नहीं हो, मैं तुम्हारा पार्टनर हूं और तुम्हें इस बात की इज्जत करनी चाहिए। और ये सामने खड़ा स्टूपिड इडियट आयरिश मैन। फिर सेथ रॉलिंस जेसन जॉर्डन से कहते हैं, मैं इस मैच के दौरान रिंग के पास रहूंगा और तुमको हारते हुए देखना चाहूंगा। इसके बाद हमें जेसन जॉर्डन वर्सेस सिजारो के बीच मैच देखने को मिला, जहां सिजारो ने लगातार जॉर्डन के एक पैर पे ही अटैक करा और दबाव बनाया। मैच के दौरान सेथ रॉलिंस ने शेमेश को बाहर ही पेल दिया। इसके बाद जॉर्डन ने वापसी करी और जीत दर्ज करी इस मैच में। इसके बाद हमें ब्रे वाइट वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच मैच देखने को मिला। इस मैच में टाइटस ओनील अपोलो क्रूज के साइड से रिंग के बाहर खड़े दिखाई दिए। मैच काफी अच्छा था। काफी लंबे टाइम बाद इस मैच में ब्रे वाइट ने जीत दर्ज करी। बैकस्टेज एलेक्सा ब्लिस नाया जैक्स को उनके साथ रहने के लिए कह रही थी, लेकिन वो एंजो अमोरे को देखने के लिए वहां से चली गई। वैसे भी नाया एंजो के प्यार में आजकल गिरी हुई हैं। ठीक इसके बाद बैकस्टेज हमें रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस साथ दिखते हैं, और सेथ रॉलिंस रोमन रेंज से कहते हैं कि आज की रात समोआ जो के खिलाफ थोड़ा कूल रहना। रोमन रेंज कहते हैं कि आई एम अ कूल और वो फूल है, सबने देखा मैंने लास्ट वीक क्या करा, जो मेरे लिए केवल एक जोक है। डीन एम्ब्रोज आज देखेगा, मैं तो कहता हूं पूरा वर्ल्ड देखेगा कि हमारे भाई से उलझने का मतलब क्या होता है। इतने में एंट्री होती है जेसन जॉर्डन की। वो कहते हैं कि आज की रात अगर समोआ जो के मैच में बार ने इंटरफेयर करा तो हम भी रेडी रहेंगे, बिलीव दैट। इसके बाद हमें एलेक्सा ब्लिस वर्सेस आस्का के बीच मैच देखने को मिला। शुरुआत से ही एलेक्सा ब्लिस बैक फुट पे दिखी, बट एक टाइम उन्होंने पकड़ बनाई, बट जीत इस मैच में आस्का के हाथ लगी। ठीक इसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस रायनो के बीच मैच देखने को मिला। हीथ स्लेटर और रायनो ने कुछ समय के लिए स्ट्रोमैन के ऊपर अटैक जरूर किया, लेकिन मॉन्स्टर अमंग मैन ने जल्दी वापसी करते हुए रायनो को रनिंग पावर स्लैम मार के इस मैच में जीत दर्ज करी।
मैच के बाद इतने से ही ब्रॉन स्ट्रोमैन का मन नहीं भरा तो उन्होंने हीथ स्लेटर और राइनो को एक बार फिर रनिंग पावर स्लैम की सैर करा डाली। बैकस्टेज केन और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच बातचीत दिखी, जहां केन कहते नजर आए कि हम दोनों मिलके बीस्ट को आज घेर सकते हैं, मेरे पास प्लान है। ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं मुझे परवाह नहीं है बीस्ट और तुम्हारे प्लान की, मैं अकेला यहाँ का मॉन्स्टर हूँ। बैकस्टेज हमें फिन बैलर ने कर्ट एंगल को बताया कि वो भी रॉयल रंबल मैच का हिस्सा होने वाले हैं। इसके अलावा मिस्टर राज और इलायस के खिलाफ होने वाले मैच में उनके पार्टनर द क्लब होंगे। इसके बाद हमें समोआ जो वर्सेस रोमन रेंस के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेके मैच दिखा। इस मैच में कर्ट एंगल ने शर्त रखी थी कि अगर रोमन रेंस डिस्क्वालीफाई होते हैं तो जीत तो समोआ जो की होगी, साथ ही साथ टाइटल भी रोमन रेंस हार जाएंगे। मैच शुरू हुआ, अच्छा मैच हुआ इनके बीच, एक्शन और हाई ड्रामा देखने को मिला इस मैच में। जो इस मैच में रोमन रेंस को उकसाते हुए नजर आए, जिससे वो जोश में आके कुछ करें और मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाएं। उम्मीद थी इस मैच में द बार इंटरफेयर करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड में मैच के दौरान समोआ जो ने रोमन रेंस को कोकीना क्लच में फंसाया, बट रोमन रेंस ने उससे बचते हुए जो को स्पीयर लगा के मैच अपने नाम करा। बैकस्टेज कर्ट एंगल ये मैच देखते हुए नजर आए, तभी वहां पॉल हेमन पहुंचते हैं। कर्ट एंगल कहते हैं मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं। पॉल कहते हैं कि अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन और केन ने मिलके मेरे क्लाइंट ब्रॉक पे अटैक करने के बारे में सोचा तो ये साल 2018 है। इतना कह के ही वो वहां से चले गए। ठीक इसके बाद हमें सेड्रिक अलेक्जेंडर और गोल्डस्ट वर्सेस ड्रू गुलक और आर्या देवारी के बीच मैच देखने को मिला। जीत यहां सेड्रिक अलेक्जेंडर और गोल्डस्ट की हुई। इसके बाद फिन बैलर, कार्ल एंडरसन और ल्यूक गैलोज वर्सेस इलायस और मिस्टर राज के बीच मैच देखने को मिला। अच्छा मैच था इन टीम के बीच, जीत यहां फिन बैलर और क्लब के हाथ लगी। इस बीच रॉ पे ऐलान हुआ कि मेज अगले हफ्ते की रॉ में वापसी करेंगे। इसके बाद इस शो में हमें मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट देखने को मिला। पॉल और ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं और पॉल कहते हैं रॉयल रंबल पीपीवी में ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ब्रॉन स्ट्रोमैन और केन के खिलाफ डिफेंड करेंगे। इस टाइम ब्रॉन स्ट्रोमैन बैक स्टेज टीवी पे ये सब देख रहे होते हैं। अगर स्ट्रोमैन ने केन को पिन किया या केन ने स्ट्रोमैन को, तो टाइटल ब्रॉक लेसनर ही लूज करेंगे। हालांकि इस बार भी जीत ब्रॉक लेसनर की ही होगी, क्योंकि उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल है। लेसनर एक साथ कितने भी सुपरस्टार को हरा सकते हैं, ब्रॉक लेसनर किसी से भी नहीं डरते। लेसनर आसानी से मॉन्स्टर को हरा देंगे। इतना कह के यहां से पॉल और ब्रॉक जा रहे होते हैं, तभी एंट्री होती है द रेड मशीन केन की। आते ही केन ने ब्रॉक लेसनर को शानदार चॉकस्लैम मारी। चॉकस्लैम खाने के बाद भी ब्रॉक लेसनर उठे और हंसते हुए नजर आए। इसके ठीक बाद ब्रॉक लेसनर ने केन को रोपवे के ऊपर से बाहर फेंका, तभी लॉकर रूम के सारे सुपरस्टार ने आके बीच बचाव कराया। तो यही साल की पहली रॉ का धमाकेदार तरीके से एंड हुआ। तो कैसी लगी आज की रॉ? वैसे आज की रॉ काफी बड़ी थी। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे ड्राइव बाय F5 रनिंग पावर स्लैम जो मारना है मारो, बट सब्सक्राइब करो। थैंक यू।